खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नेटफ्लिक्स की नई सीरीज का नाम है बाढ़ ऑफ ब्लड और इस सीरीज के तीन अदद कलाकार विनीत कुमार, शोभिता धुलीपाला और जयदीप अहलावत मेरे साथ मौजूद हैं। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने चंद एपिसोड देखे, बहुत मुश्किल किस्म की एक सीरीज नजर आ रही है। इसमें बलूचिस्तान दिखाया गया है, क्वेटा पाकिस्तान का एरिया दिखाया गया है, एक स्पाई ड्रामा है। आप तीनों के लिए कितना मुश्किल था ये किरदार करना, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट टेरेन में भी शूट किया गया, लद्दाख में शूट किया, आप लोगों ने राजस्थान में शूट किया है, दिल्ली बॉम्बे में शूट किया। पर्सनली आप तीनों के लिए कितना एग्जॉस्टिंग था इस सीरीज के लिए शूट करना? एक्चुअली मुझे याद नहीं कि मुश्किल था या आसान था। मुझे लगता है कि घरसा भी दिया। हाँ, एज एन एक्टर व्हेन आई गेट टू बिलोंग टू वन वर्ल्ड, एवरीथिंग दैट कम्स इन दैट वर्ल्ड, अच्छा बुरा सब कुछ उस पैकेज का एक हिस्सा है। सो मुझे वो एक्सपीरियंस याद है और वो एक्सपीरियंस को मैंने बहुत एंजॉय किया। तो आई थिंक द न्यूनेस ऑफ सो मेनी थिंग्स, जैसे कि एक्शन पहली बार किया मैंने, वो सब मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैं पूछ रहा था क्योंकि उसमें काफी आपको एक्शन भी करना है, कॉम्बैट एरिया में भी आप जाती हैं, तो उस हिसाब से कितना डिफिकल्ट रहा आपके लिए? डिफिकल्ट, जो चीज अच्छी लगती है तो वो मुझे डिफिकल्टी याद नहीं है, बस ये याद है कि वो इट वॉज माई फर्स्ट टाइम एंड आई फेल्ट द थ्रिल, सो आई रिमेम्बर द थ्रिल। आपने एंजॉय किया मतलब? हाँ, इस प्रोसेस को। हाँ, और एंड वट एवर यू एंजॉय, इवन इफ इट ब्रिंग्स यू अ लिटिल पेन और डिफिकल्टी, यू दैट्स वर्थ इट। या विनीत, आप हमने आपको मुक्काबाज में देखा था, काफी फिजिकल चीजें उसमें करने, आपने बहुत ट्रेनिंग ली थी एक बॉक्सर के रोल के लिए, बहुत मेहनत वाला रोल था। वही मेहनत मुझे इस सीरीज में नजर आ रही है। इसमें भी आप बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, इंडियन स्पाई बने हुए हैं जो फंस जाता है और जिसे एजेंसी भुला भी चुकी है। एक डेस्परेशन भी है आपके किरदार में कि मुझे इंडिया जाना है, मेरे पापा को अल्जाइमर है। वो डेस्परेशन मैंने आपकी आंखों में जो मुक्काबाज में देखा था कि एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना है और आप बन नहीं पा रहे, वहां पहुंच नहीं पा रहे, वही डेस्परेशन मैं इसमें देख रहा हूं कि आपको इंडिया वापस आना, आप आ नहीं पा रहे। आपके लिए कितना चैलेंजिंग था फिजिकली ये किरदार? फिजिकली या ड्रेनिंग था, मतलब एब्जॉर्ब कर लिया आपको? जब कोई किरदार ऐसा हो जिसको तैयार करते समय आपको एक चैलेंज का सामना करना पड़े तो मज़ा आता है, बिकॉज आप फिर खुद की अपनी लिमिटेशंस को ब्रेक करके कुछ और करना चाहते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आप कुछ नया करना चाहते हैं। एक्टर को इस प्रोसेस में ये नहीं पता होता कई बार कि उसकी लिमिटेशन क्या है, तो मैं हमेशा चाहता हूँ कुछ नया ट्राई करूँ जो पहले नहीं किया है। यहाँ पे और मुक्काबाज में जो फ़र्क है, वहाँ वो रिंग के अंदर लड़ता है, रिंग के बाहर जो है वो स्ट्रीट फाइट है जो हाथों से हो रही है। यहाँ जो फाइट है, बिकॉज ही इज़ अ कमांडो, ही इज़ द अंडरकवर एजेंट एक दूसरी कंट्री में, जहाँ की लैंग्वेज अलग है, जहाँ का रहन सहन, जहाँ का म्यूज़िक, जहाँ का खाना, जहाँ पीना, सब कुछ अलग है, तो वहाँ अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रहना वो एक अलग तरह की चीज़ है, और उसके लिए एक अलग तरह की प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। और सभी ने, बिकॉज सारे कमांडो हैं, इनका जो किरदार है, इमरान का जो किरदार है, कबीर आनंद, सब वेल ट्रेंड हैं। इवन ISA की तरफ से जो जयदीप का किरदार है, ही इज़ रेडी फॉर फाइट एनी टाइम, बिकॉज गन के साथ हमें कंफर्टेबल होना जरूरी है, छोटी गन्स, बड़ी गन्स, नाइफ के साथ बैटल, वो सारी ट्रेनिंग हमें दी गई थी, एक कमांडोज ने ट्रेन किया था सभी को। प्लस बाकी हमें अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, बिकॉज आप एक नई लैंग्वेज अगर बोल रहे हैं तो एक नई लैंग्वेज सीखने के लिए काफ़ी समय देना पड़ता है, और उसके लिए टीचर प्रोवाइड किए गए थे मुझे रेड चिलीज की तरफ से, तो वो प्रिपरेशन थी पश्तो के लिए। मेरा किरदार फंक्शनल एडिक्ट है ओपियम का, तो उसकी बहुत सारी वीडियोस वगैरह देखी, तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें समझ में आई कि भाई कोई आदमी क्यों शुरू करता है और बाद में वही उसकी मजबूरी बन जाती है। तो इन सारी तैयारियों में बहुत कुछ ऐसा मिलता है एज ए ह्यूमन मुझे, जो मेरे काम आता है, मतलब मेरी सोच के दायरे को थोड़ा और बड़ा करता है। तो यही है एज एन एक्टर, यही मजा है कि आप खाली कैनवास दो, अब ये नहीं समझ में आता कि कहाँ से शुरू करूँ, ब्रश कहाँ रखना है, मुझे नहीं मालूम, यहाँ से किधर जाऊँ नहीं मालूम। बाकी राइटर्स और डायरेक्टर्स काफ़ी कुछ तो
हेल्प करते ही हैं हमेशा। जयदीप, आप एक ऐसे अभिनेता हैं जो जब किरदार को निभाते हैं तो उसकी बारीकियों को समझने में बहुत यकीन रखते हैं, उसके लिए अच्छी तरह से तैयारी करने में बहुत यकीन करते हैं, और किरदार को हमेशा आप सटल तरीके से प्ले करते हैं। चाहे गैंग ऑफ वसेपुर ले लीजिए, राजी का किरदार ले लीजिए, अब ये बाढ़ ऑफ लटकी, आपके लिए आपने किस तरह से इसकी तैयारी की, और वो जो आईएसए के जो आप एजेंट बने हुए हैं, उस किरदार को समझने के लिए आपने क्या कुछ प्रोसेस था आपका उस किरदार को समझने के लिए? देखो, एक तो राइटिंग जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है आपके लिए, क्योंकि वो लिखा इतना अच्छा गया है कि आधी चीज़ तो आप स्क्रिप्ट में पढ़ी होती है। मतलब मेरा ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं मानना है कि आप अगर एक कहानी को 10वीं बार पढ़ोगे ना तो उसमें कोई एक लाइन जो आपको पहले 9 बार नहीं समझ में आएगी 10वीं बार समझ में पक्का आ जाएगी। तो आप उस कहानी को जितनी बार पढ़ लोगे, वो छोटे छोटे ना बहुत छोटे छोटे नुएंसेस पड़े होते हैं कहानी में, कहीं कहीं किसी किसी सीन में, अच्छा इसका ये भी एक टेंडेंसी है, इस बात पर गुस्सा हो सकता है क्योंकि इसका पास्ट वैसा रहा होगा। तो कोई वो ऐसे बिखरे हुए होते हैं, उनको थोड़ा समेटना होता है, कुछ नहीं। बाकी आपके साथ आपके राइटर्स हैं, आपके को एक्टर्स हैं, आपके डायरेक्टर हैं, एवरीबडी हेल्पिंग यू इन शेपिंग अप दैट थिंग व्हिच यू वांट टू, एंड बस बाकी उसके साथ थोड़ा ऑनेस्ट रहना पड़ता है और कुछ खास नहीं है। थोड़ी इंटरनल जर्नी है उसका, कुछ मतलब वो मुझे समझाना नहीं आया कैसे होता है वो। आप उन इमोशंस को इतना लाइवली फील कर रहे होते हो जब आप उनको पढ़ते हो, तो आपको लगता है कि हाँ ये तो ये है ना, ये हमारी जिंदगी में होता है ये सब। वही गुस्सा जो शहजाद कहीं दिखा रहा है, मैंने कहीं दिखाया होगा या मैंने किसी को देखा होगा वैसा करते हुए। विनीत, आपने इस सीरीज में पश्तो भी बोली है, जब एक भाषा को हम नहीं जानते हैं और एक भाषा सीखनी पड़ती है, क्योंकि काफी पश्तो बोलते हुए आप नजर आ रहे हैं, तो कितना मुश्किल रहा पश्तो सीखना, या आप आसानी से सीख गए, आपने जल्दी से लैंग्वेज पिक कर ली? आप कोई भी नई चीज़ इतनी आसानी से होती नहीं है, जो बचपन से किसी चीज़ को आप करते हैं तो हो जाती है, बट ऑल ऑफ सडन जब आप करते हैं तो यूं ही नहीं हो सकता। बिकॉज आप अगर 4 लाइनें पढ़ते हैं और अगर उसे आप बिना पढ़े बोलना चाहें तो 1 लाइन नहीं निकल पाती ठीक से। तो आपको बेसिक जानकारी बहुत ज़रूरी है और उसको टाइम लगता है। हो सकता है कोई आपने एक पर्टिकुलर रिदम तैयार कर ली, वहाँ डायरेक्टर ने कुछ और बोला तो आप फंस गए, तो उसके लिए एक बेसिक प्रिपरेशन ज़रूरी है, तो वो टीचर्स ने हेल्प की। सुभिता, आपने रमन राघव 2.0 से शुरुआत की थी हिंदी फिल्मों में, उसके बाद आपकी चर्चा मेड इन हेवन से बहुत हुई, बहुत आपको तारीफ मिली, अब बाढ़ ऑफ ब्लड आई है, आपको क्या लगता है कि एज एन एक्टर आप सही ट्रैक पर हैं, और आप अब वेब शोज ने या जो नेट इस तरह की जो सीरीज आती हैं उन्होंने एक नया स्कोप आपके लिए खोल दिया है, दरवाजे नए खोल दिए हैं कि आप अपने आप को एज एन एक्टर स्थापित कर सकती हैं और लोगों को दिखा सकती हैं अपना कैलिबर जो फिल्मों में उतना नहीं मिल रहा है फिलहाल? सर, एक्चुअली क्या है, मैं बचपन से आई डोंट ग्रो अप वॉचिंग मूवीज और टीवी एट ऑल, सो बुक्स जब तक लाइब्रेरी में पढ़ा कुछ सरकास्टिक कैसे बड़ी हुई है क्या करती थी लड़की, सो आई डोंट हैव अ टेम्पलेट कि अच्छा दिस इज द ट्रैक, दिस पता नहीं मेरा। आई हैव बीन फॉर्चुनेट दैट आई हैव नॉट बीन इन्फ्लुएंस्ड बिफोर हैंड, सो दैट एवरीथिंग आई एम एक्सपीरियंसिंग एज एन एक्टर मेरे लिए फर्स्ट हैंड है। ऐसा नहीं है कि अच्छा दीज आर द हीरोज और हीरोइंस और एक्टर्स जिनका सक्सेस रेट ये है, कोई वो अंडरस्टैंडिंग था नहीं। सो आई एम वेरी पैशनेट अबाउट टेलिंग स्टोरीज, आई राइट, आई एम अ क्लासिकल डांसर, एंड व्हेन आई फिगर्ड आउट दैट एक्चुअली एक्टिंग इज ऑल्सो समथिंग आई रियली रियली लाइक एंड फील फॉर, आई डिडंट गो इन थिंकिंग कि ओ आई वांट टू बी अ बिग स्टार, एवरीबडी वॉन्ट्स अप्रिसिएशन ऑफकोर्स। सो आई हैव बीन लकी दैट आई वेंट इन विद अ क्लीन स्लेट and everything I have been a part of, Raman Raghav ya Kala Kandi, which I've done a small part in Chef, I've done a Telugu film, one Malayalam bilingual, which was at Toronto Film Festival recently. Yes, everything I have been a part of has been something which creatively it moved me. Chota sa role ho ya if it's a protagonist part, I have picked up those projects because I felt for that. Some did well commercially or media wise and some didn't do as well, but my intention and my goal has always remained the same. So I don't think I have a strategy for a long time. I think it's been 3 years since I have been in movies, three and a half.
आई शुड कीप थिंकिंग यार कोई डिफरेंट रोल क्यों नहीं करता या कोई अनकन्वेंशनल चॉइसेस रिस्क क्यों नहीं लेते एंड आई हैव रियलाइज दैट आई एम बिकमिंग द पर्सन दैट आई वॉन्ट टू फाइंड. बस जाते आते आखिरी एक सवाल जयदीप से. जयदीप, गैंग्स ऑफ वसेपुर के बाद आपको लोगों ने नोटिस किया, हालांकि काफी पहले से आप काम करते आ रहे थे, बहुत प्रोलिफिक थिएटर एक्टर भी हैं आप. किस तरह से अब आप अपने करियर को देखते हैं, राजी के बाद, गैंग ऑफ वसेपुर के बाद, अब जो बाढ़ ऑफ ब्लड आ गई है, किस तरह की चॉइसेस होंगी आगे के लिए आपकी? पता नहीं सर, वो कभी आप पहले से सोच नहीं पाते. ऐसे कोई जैसे बाढ़ ऑफ ब्लड आ गया, आपने कोई कहानी सुनी और आपको लगा यस दिस इज समथिंग आई वांट टू डू, तो आप उसके साथ बह जाओगे. फिर कोई और आएगा तो फिर उसके साथ बने. पॉइंट बीइंग यू कैन नॉट प्लान दिस थिंग. जैसे आप यहाँ पे कहा ना कि एक सर्टेन तरीका होता है वहां तक पहुंचने का. पहली बात तो वो तरीके टूट रहे हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंट प्लेटफॉर्म. कोई नहीं बता पाएगा कि अच्छा इससे स्टार बनता है या इससे आप कमर्शियली हिट होते हो या इससे आप ये बनते हो. वो सब धीरे धीरे इतना मिक्स हो गया है कि वो उसको प्लान करना कोई लॉजिक नहीं है. वो कभी आपके हाथ में नहीं होगा. द ओनली थिंग विच यू कैन डू इज फाइंड अ स्टोरी, और एक्चुअली स्टोरी फाइंड यू बेसिकली. वो आपको कहानी ढूंढती है, आप नहीं ढूंढ पाते हो कहानी. मतलब मैं नहीं ढूंढ पाया ना बाढ़ो ब्लड. किसी ने बुलाया कि देख एक कहानी है सुन ले. राजी में किसी ने बुलाया कि एक कहानी है सुन ले. वासीपुर में किसी ने बुलाया एक कहानी सुन ले. तो ऐसे ही बाढ़ो ब्लड में बुलाया तो आपको लगा हाँ यार ये इस कहानी का मैं हिस्सा हो सकता हूँ, चाहता हूँ. लेकिन मैंने नहीं ढूंढी वो कहानी, वो कहानी ने मुझे ढूंढा है. जल्दी से आप तीनों बताएं कि व्हाट नेक्स्ट, क्या क्या करने वाले हैं. हम जानते हैं कि मेड इन हेवन का पार्ट टू भी आ रहा है. व्हाट नेक्स्ट आप लोगों के लिए, कहाँ नजर आएंगे इसके अलावा? सांड की आंख आपकी फिल्म आ रही है. सांड की आंख है, दीपावली की रिलीज है, फिर दिसंबर में आधार है, अगले 7 महीने में 6 रिलीज है. अच्छा, काफी बिजी एक्टर हैं आप. पता नहीं, मतलब इसी के लिए शहर में आया था. मैं चाहता हूँ ऐसे ही चले. सुबिता, मेरन हेवन सीजन 2 का शूट अभी स्टार्ट हुआ नहीं है. मूथॉन करके एक फिल्म है, गीतू मोहनदास डायरेक्टेड, वो है, हिंदी मलयालम है. आई एम डूइंग फिल्म विद दुलकर सलमान इन मलयालम कॉल कुरुप, एंड आई फिनिश शूटिंग फॉर घोस्ट स्टोरीज, एंड एक और है. इतनी सारी की याद नहीं आ रहा है. नहीं ऐसी बात, ऐसे इट्स अ गुड टाइम. इट्स अ गुड टाइम. कॉम्प्लेक्स ला दिया तुम लोगों ने. इसके आगे मैं शाम को तो आपको बाढ़ ब्लड की स्क्रीनिंग पे बोलूंगा. जब भी कुछ नया आएगा तो ऐसे ही सामने बैठे हो. चलिए, आप तीनों का एबीपी ने से खास बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और हम चाहेंगे कि बाढ़ ऑफ ब्लड को वो सक्सेस मिले जो आप लोग चाहते हैं, और वो ग्लोरी आप तीनों को मिले जो आप लोग डिजर्व करते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. रवि जैन, एबीपी न्यूज, मुंबई.